फ्रेंड्स तो फ्रेंड कैसे हो आप सब, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप आज यहाँ पे दुर्गापुर आया हूँ, यहाँ पे एक स्नैक बाइट हुआ है और मरीजों को तुरंत हॉस्पिटल में पहुँचा दिया गया है। तो अभी चलते हैं, निकालते हैं, देखते हैं कौन सा सांप मिलता है नहीं मिलता है, उसके बाद आपको डिटेल में बताएंगे कि कौन सा सांप था, क्योंकि डॉक्टर को भी दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के हिसाब से एंटीवेनम दिया जाता है कि कौन सा सांप ने काटा है, तो डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहा है। तो अभी चलते हैं, निकालते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत जानकारी देंगे। फ्रेंड फाइनली यहाँ पे कहीं पे छुपा हुआ होगा, घर लाइट रही ना लाइट, चलो बड़ा देख लो घिरी रख पाए। हाँ तो हल्का भी हो जाएगा ना। ओए रोहित 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 फ्रेंड फाइनली देखा गया यहाँ पे स्नैक बैठा है। अरे तो फ्रेंड फाइनली यहाँ पे एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा देखा गया है जो कि इसके नीचे बैठा है। अरे सुनो वो डॉक्टर फोन कर दो कि वो चोटी शब्द आज भी मैं अपने काम से निकला था तो जस्ट मेरे को कॉल आया, लेकिन मैं स्टिक लेके नहीं आया। लेकिन हाँ ये तजुर्बा होता है कि हाथ से कैसे सबको हैंडलिंग किया जाता है या तो उसको रेस्क्यू किया जाता है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इतना बड़ा और खतरनाक और जहरीला सांप है, थोड़ा डरना मत ठीक है। तो फ्रेंड फाइनली देख सकते हैं आप वेरी बिग साइज कोबरा यहाँ पे, इतना खतरनाक है। उसको हैंडलिंग करना भी एक मतलब तजुर्बा होता है, जिस तरीके से हम सांपों का हैंडलिंग करते हैं उसको मूवमेंट देख के इसको रेस्क्यू करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही उग्र रूप है इनका। इसको हिसाब से रेस्क्यू करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही वेरी बिग साइज है। अरे बहुत बड़ा सांप है, ये कभी पुराना होगा ना। हाँ ये 25 से 30 साल पुराना होगा लमसम, 25 से 30 साल पुराना होगा ये, देख सकते हैं आप। ऐसा सांप बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। तो फ्रेंड जिसको स्नैक बाइट हुआ है उन्हें ही पता है कि हाँ उनके ऊपर क्या बीत रहा है।
देख सकते हैं आप, इतना बड़ा सा बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। ओह माय गॉड, वो किस प्रकार से वाइट कर रहा है, तो आप देख सकते हैं वो अपने आवाज को भी ज्यादा निकाल नहीं पा रहा है। वो कैमरा के ऊपर ही वो काट रहा है। देखते हैं इसको पकड़ेंगे और उसके बाद बाहर लेके जाएंगे और थोड़ा बहुत दिखाएंगे आप लोगों को कि और इससे क्या होता है, क्या खतरा होता है सांपों से हमेशा। तो आप देख सकते हैं लोगों का भी यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। तो फाइनली इसको भी करने पे सांपों को आप पकड़ना, मैं पहले से बोल देता हूँ कि हम जिस तरीके से सांपों का इनको हैंडलिंग करते हैं पकड़ते हैं, ऐसा आप लोग बिल्कुल भी ना करें। देख सकते हैं बारी बारी बारी, तो आप देख सकते हैं वेरी बिग साइज। देख सकते हैं आप इतना खतरनाक सांप। चलते हैं बाहर की तरफ, थोड़ा बहुत देंगे जानकारी। कौन बड़ा है, तो आप देख सकते हैं वेरी बिग साइज। बहुत ही खतरनाक था, कौन है जगह, कौन है यार, रास्ता नहीं है। गाड़ी तो सुरा दी तो थी यार। तो फ्रेंड फाइनली हम हमेशा कहते हैं कि बारिश का टाइम आ चुका है और स्नैक बाइट हमेशा बढ़ ही रहा है क्योंकि हर जगह आए दिन लोगों की मृत्यु हो रहा है, तो इसलिए सतर्क रहना भी सबको जरूरी है। तो देख सकते हैं कितना बड़ा सांप है। तो फ्रेंड इसमें पाया जाता है निरोडॉक्सिन मैडम, जो कम से कम 10 से 15 आदमी को मारने में सक्षम है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक सांप है। तो फ्रेंड फाइनली इसको करेंगे पैक, उसके बाद जाके नेचुरल हैबिटेट में रिलीज करेंगे। इससे पहले थोड़ा बहुत जानकारी देना है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं इसको देखकर समझ सकते हैं, या तो हमारे वीडियो को देखकर आप भी समझ सकते हैं कि सांप हमेशा खतरनाक होता है। देख सकते हैं सांप का भी पीछे साइड देखने की बात है, लेकिन सांपों को पकड़ना भी एक कला है। जैसे हम इसको हैंडलिंग करते हैं तो कॉपी करते हैं, इस प्रकार से आप लोग ना करें, नहीं तो स्नैक बाइट कभी भी हो सकता है। तो फ्रेंड आप इसको थोड़ा करीब से दिखा देता हूँ किस प्रकार का पैटर्न बना है इसमें, वेरी बिग साइज इंडियन स्पेक्टिकल बोल रहे हैं। सांप अक्सर खतरनाक होता ही है क्योंकि सांप सांप होता है, सांप कोई भगवान नहीं होता है, ये भी एक जीव है जिसकी प्रजाति होता है, क्योंकि इसको ज्यादा छेड़छाड़ होने के बाद बाइट कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। अभी कल का भी एक दो केस ऐसा था जहाँ पे एक गाय के पेट में बच्चा था, उनको भी काट दिया नगर में और उसकी मृत्यु हो गया। तो सांप हमेशा खतरनाक होता ही है और हमें इंसान को सांपों से बचाना, सांपों को इंसान से बचाना, यही हमारा काम है। और जहाँ तक हो सके हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से दूर से भी पाला है तो हम उसको मतलब निपटा सकते हैं, वहाँ तक जाके सांपों को रेस्क्यू कर सकते हैं। तो अभी इसको हम करेंगे फाइनली पैक, उसके बाद नेचुरल हैबिटेट में जाके रिलीज कर देंगे। अरे छड़ाना है वरना दुर्गापुर खाई जो मैंने खाई नहीं है।
से कटनी से कटनी कैसे क्यों तो ये कटता ही है। तो फ्रेंड फाइनली इसको करते हैं पैक, इसके बाद जाके नेचुरल हैबिटेट में जाके रिलीज कर देंगे। तो फ्रेंड वीडियो में नया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। चैनल कौन सा है, नाम चैनल कौन सा है? मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है इस रेसिपी यूके, लाइक सब्सक्राइब। दोबारा को तो फ्रेंड फैमिली ये साहब जो है इसका भी उम्र हो चुका है, ये ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल के अंदर इनका भी मृत्यु हो जाएगा क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है। ये ज्यादा हिलने डुलने की शक्ति नहीं है, जैसा साहब हमेशा आवाज को मतलब छोड़ता है फोर्स अपना, जैसे भी वो छोड़ता है तो उस प्रकार की कंडीशन में भी ये नहीं है। ये थोड़ा बहुत कहीं पे बैठ के अपने शिकार को करता है, इस तरीके से अपना जीवन यापन करता है। तो फ्रेंड करते हैं इसको पैक और लेके चलते हैं। अभी आपने देखा होगा कि मैंने जहाँ से सांपों को रेस्क्यू किया है वो लेडीज हॉस्पिटल में था, लेकिन थोड़ी देर पहले ही कॉल आया कि उसका डेथ हो चुका है। तो भगवान उसको आत्मा को शांति दे और हम इसको नेचुरल हैबिटेट में करते हैं रिलीज। तो फ्रेंड इसलिए वीडियो बनाता हूँ क्योंकि इसके माध्यम से आप तक मैसेज पहुँचे और थोड़ा बहुत जानकारी पहुँचे ताकि आप अपने घर पे सेफ्टी रहे और सर्पदंश से आप खुद बचे। तो दोबारा रिलीज का वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि पहले रेस्क्यू का वीडियो कोई अगर नहीं देखे, क्योंकि अधिकतर लोग वीडियो स्किप करके देखते हैं, इसलिए मैं उसे मना करता हूँ कि वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि नहीं तो सांपों के बारे में पूरा डिटेल जानकारी आपको नहीं मिलेगा कि हमने उसको कैसे रेस्क्यू किया और किस प्रकार से उसको पकड़ा और ये नेचुरल हैबिटेट में रिलीज करने के लिए आए। क्योंकि मैं अपने काम से था और इत्तेफाक से कॉल आया, इसलिए मुझे अपने सेफ्टी, मेरे पास था नहीं, मेरे पास कोई स्टिक नहीं था, फिर भी मुझे रेस्क्यू फिर मैंने कर लिया क्योंकि जान का सवाल है। तो ये काटने का लायक है नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें स्नैक वाइट हो ही चुका है, देख सकते हैं। तो इसको करते हैं यहीं पर रिलीज। वो कट जाएगा। हर हर महादेव। तो फ्रेंड करते हैं यहाँ पर रिलीज इसको, अगर नेचुरल है तो देखियो किस प्रकार से जा रहा है। तो भगवान उसको आत्मा को शांति दे। तो फ्रेंड मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।